हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैकेट। मैं हूं आरबी। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा आज, और अगर आपको अभी तक रीजनिंग में डर लगता था तो आज के बाद रीजनिंग में डर नहीं लगेगा। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में पहला है आपका साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है सबको पता होगा, जिसमें 365 दिन होते हैं। वैसे 365 सही 1/4 दिन होते हैं। पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है। वही जो 1/4 होता है वही आपका 4 साल में पूरा एक दिन बन जाता है और फरवरी में जाके जुड़ जाता है। उसी को हम कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष क्या है? साधारण वर्ष आपकी स्क्रीन में डिफिनेशन भी आ रही है। साधारण वर्ष वे वर्ष हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। जैसे 1997, 2003, ये आपके सब साधारण वर्ष हैं। ठीक है, अब आते हैं लीप वर्ष में। परिभाषा आपकी स्क्रीन पर है। लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो पूर्णतः 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2000, 2004, 2008, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाएं। ठीक, अब आती है आपकी साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है? साधारण शताब्दी वर्ष वे वर्ष होता है जिसमें 400 का भाग पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, जैसे 1300, 1700, 1500, ये सब आपके साधारण शताब्दी वर्ष हैं। और लीप शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? लीप शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाता है, जैसे 1200, 1600। ठीक है, आपको चारों चीज़ें पता चल गई। एक चीज़ और देखिए कि जो साधारण वर्ष होता है, अगर साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार था, तो आपका 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, यानी पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है साधारण वर्ष में। लीप वर्ष में एक दिन का अंतर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए आप। अब हम आगे चलते हैं कि कैलेंडर सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, किताब से अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी आपको। हर एक चीज़ के कोड दिए हुए हैं, मंथ का कोड, ईयर का कोड, दिन का कोड। ये अगर कोड लगाते रहेंगे और सूत्र याद करते रहेंगे तो कभी कैलेंडर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैंने गलत बताया है या आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे सब्सक्राइब मत करिएगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पहले टाइप से शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल से चलेंगे। पहला टाइप है आपका इक्वल मंथ, इक्वल ईयर, चेंज डेट्स या डेज, समान महीने, समान साल, परिवर्तित दिन। सबसे सिंपल पहले कि जब दिन परिवर्तित होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2008 को बुधवार था तो 30 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लें, स्क्रीन पर है आपकी। 1 अप्रैल 2008 को बुधवार था तो 30 अप्रैल 2008 को क्या होगा। देखिए, टाइप के हिसाब से ही समझ गए होंगे आप। क्या है? समान महीना है, दोनों महीने समान हैं। समान साल है, दोनों साल समान हैं। तो इन दोनों से हमें कोई मतलब ही नहीं, ना महीने से मतलब है ना साल से मतलब है। अब हम दिन में देखते हैं। दिन में क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। 30 में 1 जाएगा तो 29 बचेगा। 29 दिन का अंतर आ रहा है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम सॉल्व करेंगे ऑड डेज से। ऑड डेज अगर हम इसको 7 से भाग दे दें तो इसमें कितने ऑड डेज बचेंगे? 7 से भाग देंगे, कितने बार पूरा जाएगा? 7 चौको 28, एक दिन शेष बच रहा है। ठीक है, एक आपका शेष बच रहा है, यही आपका क्या है? ऑड डेज है। अच्छा, आप सबके मन में आ रहा होगा कि ये 7 से ही भाग क्यों दिया। 7 से भाग हम इसलिए देते हैं कि हर 7 दिन में वही दिन रिपीट होता है। जैसे आज सोमवार है तो अगले 7वें दिन में कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। ठीक है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, यानी सोमवार से सोमवार ख़त्म, 7 दिन में ख़त्म, फिर अगले में चलेंगे, फिर अगला सोमवार आएगा। तो हमारे ऑड डेज जो बचे, यानी सोमवार को छोड़ के जो ऑड डेज बचेंगे उनसे ही हम काम करेंगे।
हमारा एक और डिस बचा है, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, बुधवार प्लस एक गुरुवार आपका आंसर है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलें। अच्छा, इसमें ये भी देख लें कि ये सीधा जा रहा है, सीधा मतलब बढ़ते हुए क्रम में, एक दो तीन चार पाँच छः, एक से तीस तक, तीस से एक आता तो रिवर्स हो जाता, रिवर्स कैसे निकालेंगे वो भी हम बताएंगे आपको अभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको नोट करें। किसी महीने की तीन तारीख को मंगलवार था तो उस महीने की 29 तारीख को क्या होगा। देखो किसी महीने की भाई फिर तीन तारीख को मंगलवार था, अब महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, सब बराबर है, ठीक है, तो 29 तारीख को क्या होगा, वही हम करेंगे, दोनों का डिफरेंट कितना आएगा 26, सात से भाग देंगे 21 बार पूरा पूरा जाएगा, पांच और डेज बचेंगे आपके पास, पांच और डेज बचे, ठीक है, सीधे क्रम में जा रहा है, जोड़ देंगे प्लस 5 कर देंगे, मंगल प्लस 5 क्या कौन सा दिन हो जाएगा आपका, मंगल प्लस 5 जोड़ लें रविवार हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। अब रिवर्स में चलते हैं, अभी तक तो ये सीधे चल रहे थे हम, अब जरा एक रिवर्स में देख लें, क्रम से चलते चले जाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, हम टाइप बाय टाइप पढ़ाते हैं वैसे भी। रिवर्स में अगला है क्वेश्चन आपके सामने, किसी महीने की 25 तारीख को अगर सोमवार था तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार था तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 25 से 1 रिवर्स, पीछे जाने को कह रहा है ना, रिवर्स हो रहा है, तो क्या करेंगे, प्रोसेस वही सेम रहेगी, इसमें 25 में 1 घटाएंगे आपका 24 बचेगा, 24 से 7 का भाग देंगे 24 में कितना बचेगा, 3 और डेज बचेंगे आपके पास, ठीक है, यहाँ तक तो सेम रहा, पर क्या है ये रिवर्स जा रहा है, रिवर्स जाने की वजह से हमने इसको माइनस कर लिया, यानी ये हमारे 3 दिन घट रहे हैं, माइनस के 3 और डेज बच रहे हैं, तो आप सोमवार में 3 घटा लें क्या आएगा, शुक्रवार आंसर आएगा आपका, घटा लें सोमवार में, समझ में आया ना। पहला टाइप बहुत ही सिंपल, अगले टाइप में चलें अब, तो अब है आपका टाइप टू, टाइप टू है आपका इक्वल डेज, यानी अब दिन समान है, इक्वल ईयर साल भी समान है, और महीना परिवर्तित हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नोट करें, अगर 10 मई 2013 को रविवार था तो 10 अक्टूबर 2013 को क्या होगा, 10 मई 2013 को रविवार तो 10 अक्टूबर 2013 को क्या होगा, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दिन समान है, साल समान है, इनसे कोई मतलब ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, महीने का है, महीने का क्या करते हैं, मई से बोल रहा है, मई से ऑड डेज शुरू करते हैं। अब अच्छा, महीने में भी ऑड डेज निकालने में दिक्कत होती है, कैसे आप निकालेंगे, देखिए जो महीना 30 का है, 30 के महीने में 7 का भाग देंगे तो कितने ऑड डेज बचेंगे, 28 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, 2 ऑड डेज बच रहे हैं, तो 2 ऑड डेज आपको मिल गए। उसके बाद जो 31 का होगा उसमें 3 ऑड डेज बचेंगे, जो 28 का है उसमें कोई ऑड डेज नहीं, जो 29 का उसमें 1 ऑड डेज, ठीक है। तो अब आपको ये भी कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा महीना 31 का है, कौन सा महीना 30 का है, ठीक, तो ये बहुत ही आसान है तरीका, घर में लगाते होंगे लोग, पुराने लोगों से, बुजुर्गों से पूछा होगा, वो बता देते होंगे कि हाथों का यूज करते हैं महीने निकालने में, कि कौन सा महीना 31 का है, कौन सा महीना 30 का है। देखिए ये जो इसमें आता है वो 31 का है, जो गड्ढे में है वो 30 का है, बहुत अच्छा तरीका है, कभी नहीं भूलेंगे आप। इस पे करेंगे जनवरी 31 की, फरवरी 0, मार्च फिर 31, मार्च के बाद अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, जो इसमें जा रहे हैं वो सारे 31 के, और जो गड्ढे में हैं वो सारे दिन 30 के, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। चलिए शुरू करें, मई, मई कितने की देख लें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 की आ रही है, तो यानी कितने ऑड डेज मई में, 3 ऑड डेज, ठीक है। फिर उसके बाद जून, 2 ऑड डेज,
जुलाई 3 और डेज, अगस्त 3, सितंबर 2। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर आएगा, तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाला होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ अक्टूबर दिया है तो अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नवंबर होता, नवंबर को काउंट नहीं करते। दिसंबर होता, जो लास्ट वाला होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। इसमें अक्टूबर है लास्ट में, उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इन ऑड डेज को जोड़ लें, 3, 6, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13 ऑड डेज मिले हैं। अब इन ऑड डेज में भी हम 7 का भाग दे सकते हैं, क्यों, हर 7 दिन में वही दिन रिपीट होता है। 7 का भाग देंगे आप, एक बार जाएगा, 7 एकम 7, कितना शेष बचेगा, 6, 6 आपके ऑड डेज बचे। और कौन से हैं, मई से अक्टूबर सीधे जा रहे हैं, ठीक है, सीधे जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस का होगा। रविवार प्लस 6, कौन सा दिन, शनिवार। समझ गए होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक क्वेश्चन और लगाइए, अगला आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख को रविवार है, तो अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल, सितंबर, उसके बाद क्या आता है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। इसकी 7 तारीख को रविवार था, तो अक्टूबर की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। साल समान है आपका, देश समान है आपके, सिर्फ महीने में चेंज है। महीने में क्या करते थे, जो पहले दिया उससे शुरुआत करते थे और लास्ट वाले को काउंट नहीं करते थे। सितंबर कितने का होता है, 2 ऑड डेज होते हैं सितंबर, 30 का होता है, तो सितंबर के 2 ऑड डेज। सितंबर के बाद अक्टूबर, लास्ट वाले को काउंट नहीं करते हैं, तो सीधे सीधे 2 ऑड डेज हमको मिल गए, और किसी चीज़ से लेना देना नहीं। 2 ऑड डेज जोड़ दें इसमें, क्या आ जाएगा, मंगलवार, है ना, बिल्कुल सिंपल, समझ में आ रहा। अगले में चलें, अगला अब आपका रिवर्स करते हैं इन्हीं को। ये तो आपके सीधे जा रहे थे, अब ये रिवर्स में आएंगे, तो कैसे, क्वेश्चन लिखें, अगला आपकी स्क्रीन पर है रिवर्स में। अगर 5 सितंबर 2008 को रविवार था, 5 सितंबर 2008 को रविवार था, तो 5 अप्रैल 2008 को क्या होगा, 5 अप्रैल 2008 को क्या होगा। अब देखिए रिवर्स हो गया, आपको सितंबर का दे दिया और पीछे का पूछ लिया, लोग घबरा जाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा करते हैं वैसे ही करते चले आएंगे, बेसिक से चलते हैं, छोटे से सीधे की ओर चलेंगे हम सीधे ही, चाहे रिवर्स दिया हो आपका, चाहे जैसा दिया हो, हम अप्रैल से ही काउंट करेंगे, ठीक है। अप्रैल आपकी कितनी, 2 की, मई 3 का, जून 2 का, जुलाई 3 की, अगस्त 3 का, सितंबर काउंट नहीं करेंगे, लास्ट वाला काउंट नहीं करते हैं, चाहे सीधे जाएंगे चाहे रिवर्स जाएंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ लें, 11, 3, 13, 13 ऑड डेज मिल रहे हैं आपको, ठीक है। क्या करेंगे फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, जब तक ये संख्या ऑड डेज की 7 से कम नहीं होती हम 7 से भाग दे सकते हैं, ठीक है, 7 से भाग देंगे, फिर 6 ऑड डेज बचेंगे। 6 ऑड डेज बचे तो, लेकिन क्या है, ये रिवर्स जा रहा था, रिवर्स जाने की वजह से ये क्या है, माइनस के 6, ठीक है। चलते हैं हम सीधा ही हैं, बस बाद में माइनस कर लेते हैं, जो हमारे ऑड डेज होते हैं हम उनको माइनस कर लेते हैं। रविवार में माइनस 6 करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार, ठीक है, समझ में आ गया, कितना सिंपल था, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वैसे तो 100% आपको समझ में आएगा, ऐसा तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अगर ऐसा तरीका आपको और कहीं मिलता है तो उस चैनल को ही देखिए। अगला टाइप है आपका इक्वल डेज, दिन समान, इक्वल मंथ, महीने भी समान, और अब साल में परिवर्तित, साल में परिवर्तन, ठीक है, साल चेंज होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 3 मार्च 1948 को सोमवार था,
तो 3 मार्च 1962 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे? दोनों सेम हैं, दिन भी सेम है, महीने भी सेम है, कोई मतलब नहीं, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे साल में आएंगे। ठीक है, साल में कितने का डिफरेंट है? 62 से 48 में कितने का डिफरेंट है? 14 साल का डिफरेंट है, घटा लेंगे आप, घटा लीजिएगा 1962 और 1948 को, 14 साल का डिफरेंट आएगा। अब इस 14 साल में कितने लीप ईयर थे और कितने नॉर्मल ईयर थे, ये निकाल लें। लीप ईयर निकालने का सीधा सीधा बहुत अच्छा तरीका है, जो डिफरेंट आया 14 साल का डिफरेंट आया है, इसमें 4 का भाग दे देंगे तो लगभग लगभग हमको पता चल जाएंगे। लगभग लगभग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कभी कभी ये दोनों लीप ईयर हो सकते हैं, तो उसमें एक लीप ईयर बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें 4 का भाग दिया, पूरा पूरा कितने बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, 4 3 12, तो यानी 3 तो 100% है इसमें, 3 लीप ईयर 100% हैं। ज़्यादा कम होंगे तो वो भी देख लें। देखें 1948 क्या आपका लीप ईयर है? 4 से भाग जा रहा है, पूरा पूरा लीप ईयर है। ठीक है, आपका 48 लीप ईयर है, 48 के बाद आपका 52 लीप ईयर होगा, 52 के बाद आपका 56 लीप ईयर होगा, 56 के बाद आपका 60 लीप ईयर होगा, और 60 के बाद 62, तो 60 तक तो ही हमको लेने हैं। ठीक है, इतने तो लीप ईयर होंगे ही होंगे, लेकिन क्या हुआ है, 1948 वाला काउंट नहीं हुआ है। काउंट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि दोनों चीज़ें मार्च की हैं, मार्च से पूछ रहा है। अगर जनवरी से बोलता तो हमारा लीप ईयर काउंट होता, मार्च से यानी फरवरी थी हमारी, लीप ईयर में एक दिन जो बढ़ता है वो फरवरी का बढ़ता है 29 का, तो फरवरी है नहीं तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी आपके पास 3 लीप ईयर आ रहे हैं, 52 56 और 60, 3 लीप ईयर हैं, और कितने नॉर्मल ईयर होंगे? 3 इसमें घटा देंगे तो 11 आपके नॉर्मल ईयर हैं। जो लीप ईयर होते हैं, हमने बताया था कि लीप ईयर में हर एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, और हर नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होता है, हर नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होता है। यानी ये नॉर्मल ईयर हैं तो 11 के 11 ही ऑड डेज होंगे, क्योंकि हर साल 1 1 ऑड डेज होता है, और ये 3 जो लीप ईयर हैं हर साल 2 ऑड डेज होंगे, तो 3 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो गए? 6 हो गए, 6 और 7 कितने हो गए? 6 और 11 कितने हो गए? 17 ऑड डेज आपको मिले हैं, 17 ऑड डेज मिले हैं आपको। इनमें 7 का भाग दे दें, क्योंकि अभी ये 7 से ज़्यादा है, 7 का भाग देंगे, 7 × 14 दो बार जा रहा है 14, यानी 3 आपका शेष बच रहा है। कितने ऑड डेज शेष बच रहे हैं आपके? 3 ऑड डेज शेष बच रहे हैं। ठीक है, और ये क्या चल रहा था? सीधा चल रहा था, तो क्या करेंगे? सीधे सीधे 3 जोड़ देंगे, सोमवार में 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? गुरुवार आएगा, सोमवार मंगलवार बुध गुरु, गुरुवार आपका आंसर है। कितना सिंपल था, चुटकियों में लगा सकते हैं आप पेपर में, ट्रिक पे मत जाइए, ट्रिक आप नहीं याद कर सकते, बहुत सारी होती हैं ट्रिक, हम किसी भी तरह की ट्रिक का समर्थन नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इससे अच्छा नहीं बता पाएगा कोई आपको। अगला क्वेश्चन में चलें, अगर 5 जनवरी 2007 को सोमवार था, ये आपका रिवर्स में है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका रिवर्स, ये तो आप सोच रहे होंगे सीधा सीधा जा रहा है, अब रिवर्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो रिवर्स भी देख लें। क्वेश्चन था आपका, अगर 5 जनवरी 2007 को सोमवार था, 5 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 2002 को क्या? 5 जनवरी 2002 को, अब देखिए हो गया ना रिवर्स, 7 से पीछे जा रहा है, उसमें क्या था? 48 से 62 यानी आगे जा रहा था, इसमें पीछे आ रहा है, सिंपल है, वैसे ही लगाएंगे। ठीक है, इसको काट दें, कोई मतलब नहीं, दोनों सेम हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं, दोनों में कितने साल का डिफरेंट है
5 साल का डिफरेंट है दोनों में, ठीक है, घटा लीजिएगा। इन 5 साल में कितने लीप ईयर हैं आपको देखने से ही समझ में आ जा रहा है कि 2004 है जो, वही लीप ईयर है, एक लीप ईयर पड़ रहा है। तो 5 में एक लीप ईयर, तो कितने नॉर्मल ईयर, 4 नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है। एक लीप ईयर का मतलब क्या है कि 2 और डेज, और 4 लीप ईयर का मतलब क्या है, 4 और डेज, सॉरी 4 नॉर्मल ईयर का मतलब क्या है, 4 और डेज। तो 4 दो 6 हमारे पास और डेज बच रहे हैं, 7 से कम है, 6 ही और डेज रहेंगे, ठीक है। तो ये 6 और डेज तो हैं, मगर क्या रिवर्स जा रहे हैं, तो रिवर्स जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये माइनस के होंगे। तो सोमवार माइनस 6 करेंगे आप तो क्या आएगा आंसर आपका रविवार, कितना सिंपल। है सिंपल, अगला टाइप चलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक आपको समझ में आया, अगला टाइप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें सब चीज़ अलग होगी, सारी की सारी चीज़, महीना अलग होगा, दिन अलग होगा, साल अलग होगा, और आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे उसको। कैलेंडर सॉल्व करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझको टाइम लगता है, नहीं तो आप 30 सेकंड में कितना ही कठिन से कठिन दे दे आप सॉल्व कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम और अच्छी आपको बना के देंगे और अच्छा मेथड देंगे, ठीक है। अगले वीडियो पे मिलते हैं।